खाने वाला मशरूम नहीं है वो नकली वाला। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और जहाँ भी है सब लोग बिंदास होंगे। सो गाइस, आज सितंबर 8 तारीख हो रहा है, बहुत दिन के बाद आज हम लोग अपना खेत में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के खेत में हम लोग लोकल आलू लगाया था जिसको हम लोग शिमला आलू बोलते हैं। गाइस, शिमला आलू जो है हम लोग का अरुणाचल में बहुत कॉमनली से पाया जाता है और उसको पालना बहुत आसान है, उसका फार्मिंग करना, उसका प्लांटेशन करना बहुत आसान है, बोल लीजिए। अगर आप वो जो शिमला आलू है उसका कोई भी ब्रांच को लेके अगर आप जो मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर अगर गर्म सीजन में आप ऐसे ही गाड़ देगा तो वो मतलब ऐसे ही जी मतलब जीना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मतलब उसको पालना बहुत आसान है। टॉमी तो गाइस, आज टॉमी हम लोग तीन जा रहे हैं, मेरा बहन, चौथा बहन, हम लोग तीन जा रहे हैं। और एक्चुअली ऐसे चौथाला बहन भी था साथ में, पहले वाला वीडियो में आप लोग देखा होगा, उसका अभी तक क्लास चल रहा है तो छुट्टी नहीं हुआ है, इसका कारण से उसको हम लोग साथ में लेके नहीं जा रहे हैं। तो गाइस, वहां पर आप लोग देख सकते हैं एक बैम्बू सूट दिखाई दे रहा है आप लोग को, रेड कलर का, ओके, जिसको तोड़ के बैम्बू टेंगा बना के भी खाता है, बैम्बू सूट, और जला के भी खाता है, बहुत टेस्ट होता है। क्या नजारा है के दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तंग 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 तंग। वाह, टॉमी उठ गया यहाँ से। हम लोग को भी मदद करना है ना, आगे आगे उठते चलो, चलो अभी। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आवर इस्टकमिंग डिस्ट्रिक्ट, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, वो हेलीकॉप्टर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अपना इस कमिंग में भी हेलीकॉप्टर देखने को मिल रहा है आज। तंग 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 तंग। हम लोग का खेत हम लोग पहुंच चुका है। तो गाइस, हम लोग घुस चुके हैं हम लोग का खेत का अंदर, और इसको बोलता है शिमला आलू और संगना आंगिंग बोलता है अपना लोकल में। आप लोग देख सकते हैं ये भी एक प्लान है, इतना बड़ा हो गया। तो इसका जो रूट है वो जो है शिमला आलू बनता है, मतलब कि इसका रूट जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ में दिखाई दे रहे हैं, जो जमीन का अंदर में होता है, तो जमीन का अंदर में होता है जो जिसको अभी हम लोग खोदने जा रहे हैं। ये है शिमला आलू का पेड़ का, मतलब शिमला आलू का पेड़ इसको बोलते हैं।
गाइस थोड़ा बड़ा है, आगे दोनों आगे का कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा है। तो गाइस आज के लिए इतना हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना सारा तोड़ लिया है शिमला आलू, इसको बोलते हैं। तो इसको पानी से सफ़ा करके, तो ये लकोवर सबसे पहले आएगा और इसको हटाने के बाद में आलू देख सकते हैं अंदर में वाई दे। और इसको पका के भी खा सकते हैं, मतलब जला के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खाते हैं, और कोई लोग इसको गर्म पानी में उबल के भी खाते हैं। तो अपना अपना ऊपर है किसे खाना है। कच्चा भी खा सकते हैं पर कच्चा से ज़्यादा नहीं खाना है। पर हम लोग का शिमला आलू भी बहुत सारा है और स्वीट पोटैटो भी बहुत सारा लगा के रखे हैं। ये लोग का सीज़न नहीं हुआ है, जब सीज़न हो जाएगा हम लोग पीस एक बार लेने आएगा। मशरूम, ये खाने वाला मशरूम नहीं है वो नकली वाला, इसको नहीं खाते। चक्कर आप लोग देख सकते हैं मशरूम इसको नहीं खाता है, लेकिन ये नहीं खाने वाला है। जहरीला वाला मशरूम है, इसको पचने में आप लोग को गलती हो सकता है, इसलिए इसका जो है ये जो ब्रंच जो है बहुत पतला होता है, एकदम इतना वो वाला होता है, पतला वाला होता है, इसलिए मालूम चल जाएगा आप लोगों को। पकने से इतना ढीला पुला होता है जो पूरा, और अगर खाने वाला मशरूम होने से उसका जो ब्रांच होता है वो बहुत मोटा होता है, इतना मोटा होता है, और वो जो थान भी होता है, तो इसलिए मालूम चल जाना चाहिए। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ से घर की ओर निकलेगा और वहाँ में घर पहुँच के हम लोग आप लोग को दिखाएगा कि हम लोग शिमला आलू को कैसे खाते हैं। तो गाइस अभी इसको सफ़ा करना है, पानी से धुलाना है। बदल देते हैं। तो गाइस इस तरह से टुकड़ा करना है, और इस तरह से टुकड़ा करने के बाद इसको और यहाँ पर गर्म पानी में डाल देना है। और अभी इसको पकने के लिए छोड़ देना है ऑलमोस्ट 1 आवर। गाइस अभी इसको निकाल देना है क्योंकि अभी पकने का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस बार कुछ इस तरह से देख रहे हैं, और ये लोग पूरा पक चुके हैं।